everyone. I'm Aditi Dixit from Jawahar Kala Kendra and I welcome you all once again to our online learning session. और आज के हमारे resource person हैं पवन गोस्वामी सर, जिनके साथ हम गिटार सीखेंगे. Welcome sir. Thank you. So let me introduce you all to Pavan Goswami sir. Sir is qualified in Visharad stage in instrumental music and in both forms, Hawaiian and Spanish guitar from Bhatkhande संगीत महाविद्यालय लखनऊ. सर एक एक्सपीरियंस्ड म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं जिन्होंने बहुत सी बॉलीवुड मूवीज में एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम किया. सर ने फेमस ताज सॉन्ग भी कंपोज किया अंडर द फ्लैगशिप ऑफ भास्कर टीवी. सर का एक म्यूजिक इंस्टीट्यूट भी है जिसका नाम है लीडिंग नोट म्यूजिक अकेडमी. सर को कई अवार्ड मिले जिनमें से एक है एक्सीलेंस इन टीचिंग अवार्ड फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज लंदन इन 2011 एंड 12. वी आर ग्रेटफुल टू हैव यू सर. थैंक यू. सो लेट्स बिगिन. ओवर टू यू सर. थैंक यू अदिति. हेलो फ्रेंड्स, बड़ों को मेरा नमस्कार. आज हम, जैसा आपको अदिति ने बताया कि आज हम गिटार के लिए आए हैं और गिटार हम सीखेंगे. गिटार के बेसिक से लेके हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि कम से कम इंटरमीडिएट लेवल तक इन 3 दिनों में हम पहुंच पाए. तो जो थोड़ा बहुत गिटार जानते हैं उनके लिए भी ये सेशन यूजफुल रहेगा और जो बिल्कुल बिगिनर है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा. तो जो जब मैं स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करूंगा, तो जो इंटरमीडिएट लेवल पे है वो ऐसे परेशान ना हो कि अरे ये तो हमें आता है, उसको कैसे करें. जो मेरे तरीके से मैं आपको गिटार को ऐसे सिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आप इन 3 दिनों में ज़्यादा सीख सकें और थोड़ा सा आपकी लर्निंग एनहेंस हो जाए, आपकी नॉलेज एनहेंस हो जाए और आप उसको एंजॉय करें. कुछ चीज़ें हो सकता है कुछ कंसेप्ट आपके और मेरे कुछ अलग हों, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ जो मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा वो आपको वर्ल्ड वाइड कहीं भी आप जाएंगे तो वो आपको एक राइट मेथड मिलेगा आपको. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं गिटार. सबसे पहले गिटार के पार्ट्स को हमें समझना जरूरी है. देखिए गिटार बहुत मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है वर्ल्ड वाइड, जैसा आप सभी जानते हैं. तो गिटार की पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा है और मेरा मानना है कि गिटार आपको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है. गिटार का साउंड आपको एक, इसकी साउंड में एक रोमांस है, एक रोमांच है. तो आपको जो साउंड है वो आपको अट्रैक्ट करता है और हैंडी है, थोड़ा सा ट्रेंडी है और आप कहीं भी जाएं गिटार को आप एंजॉय करते हैं. आप चाहे किसी पिकनिक में जाएं, आप किसी फैमिली गैदरिंग में, कहीं भी आपको गिटार आपको हर जगह दिखाई देगा और सुनाई देगा. इवन मेरा तो ये मानना है कि हर तीसरे घर में एक गिटार होता है और उसकी एक कहानी होती है. मतलब कोशिश बहुत लोग करते हैं गिटार सीखने की, हालांकि उसमें जो कामयाब गिटारिस्टों का परसेंटेज है वो कम होता है. खैर, लेकिन हम उन कामयाब लोगों की लिस्ट में आना चाहते हैं तो हमें ये सेशन को थोड़ा सा गौर से सुनना होगा और हम कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें. तो चलिए हम बात करते हैं गिटार की. सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, गिटार एक चुंबक की तरह है मेरी नज़र में, जो आपको अट्रैक्ट करेगा, आपको खींचेगा अपनी तरफ, आप खींच चले जाएंगे. लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आपको इसमें, क्योंकि ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वैसे तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आपको उसमें मेहनत, तो आपकी सबसे पहली जो डिमांड है इंस्ट्रूमेंट सीखने की वो है कि आप थोड़ा सा हार्ड वर्कर हो. एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. आप कितनी भी देर के लिए आप चाहे गिटार आप बजाएं, लेकिन आप उसको डेली बजाएं. सपोज आपने 45 मिनट डिसाइड किए डेली के कि मुझे 45 मिनट्स या 50 मिनट्स गिटार बजाना है, तो 45-50 मिनट्स आपके वो कंसिस्टेंट होना चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि आज संडे है, आज छुट्टी है, तो आज तो हम 3 घंटे बजा लेंगे और उसके बाद पूरे वीक आपने गिटार को छुआ नहीं. क्योंकि म्यूजिक में ऐसा मानते हैं कि अगर आप एक दिन रियाज नहीं करते, चाहे वो गाने का हो चाहे बजाने का हो, तो आप 7 डेज बैक चले गए. तो आप समझ लीजिए कि अगर आप जिस दिन रियाज नहीं कर रहे, आप अपने आप को 7 डेज पीछे जा रहे हैं. तो देखिए जब पीछे जाएंगे तो फिर आगे बढ़ने में और दिन लगेंगे. तो हम चाहते हैं अगर हम जल्दी से गिटार सीखें और अच्छा गिटार बजाने लग जाएं और अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, अपनी गैदरिंग में और अपनी सोसाइटी में जल्दी से पॉपुलर हो जाएं, गिटार के थ्रू हमें लोग जाने लग जाएं, तो हमें थोड़ा सा मेहनत तो करनी होगी. तो सबसे पहले तो आप मेंटल प्रिपेयर हो जाइए कि थोड़ा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है. और इसके लेके जो मिथ है कि गिटार से उंगलियां छिल जाती हैं, इससे ब्लड आने लग जाता है, उंगलियां ब्लंट हो जाएंगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरी छोटी उंगलियां हैं, मेरी पतली उंगलियां हैं, मेरी मोटी उंगलियां हैं, अरे मेरा तो हाथ आएगा ही नहीं, मैं तो, ये सब चीज़ों में था मेरी नज़र में, मैं तो लेफ्टी हूँ, मैं तो राइटी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप, आपकी उंगलियाँ कैसी हैं, आप मोटी हैं पतली हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ना इस बात से फर्क पड़ेगा कि आपने
आपकी गिटार की उंगलियों में आप कैसे रखते हैं उस पर सारी चीज डिपेंड करती है। आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए कि आपकी गिटार की उंगली आपके लिए उंगलियां कैसी हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किस तरह से उनको प्रॉपर वे में अगर आप फॉलो करेंगे मेथड को तो आप राइट मेथड पे करके आप आराम से अच्छा गिटार बजाने लग जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें जो लोगों ने ये मिथ बना रखे हैं कि इससे ऐसा होता है ऐसा होता है, वो आप बिल्कुल सबसे पहले दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपना ब्रेन बिल्कुल फ्रेश एक खाली कागज के लिए रखिए, उस पर हम कुछ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो लिखा हुआ होता है उसके ऊपर हम कुछ लिखते हैं तो उसका इंप्रेशन रहता है पहले वाला। तो आपने जो भी पहले सीखा है उसको एक बार के लिए भूल जाइए मेरे कहने पे, और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप चलने की कोशिश कीजिए। तो आपको मैं यकीन लाना चाहता हूँ आपको बड़ा मजा आएगा गिटार प्लेइंग में, क्योंकि बहुत फन है इस गिटार में, और बहुत ही आप जब एक लेवल स्टेज पार कर लेते हैं तो आपको इसमें बहुत एंजॉय होने लगता है, ये मेरा मानना है। इनिशियल स्टेज किसी भी चीज़ की हो, आप कोई भी चीज़ शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत आएगी, लेकिन इसके लिए हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि ठीक है हमें इन चीज़ों से कोप अप करना है, हमें आगे जाना है, तो आपको इस तरह की दिक्कत भी नहीं आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, आदमी ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। तो इसलिए आप ठान लीजिए कि मुझे गिटार बजाना है, अच्छा गिटार बजाना है और बहुत जल्दी गिटार बजाना है। तो अब वो वाला जमाना नहीं है कि आपको 8 घंटे 10 घंटे रियाज करना है तो आप सीख पाए नहीं सीख पाए। आप चाहे प्रोफेशनल हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे छोटे बच्चे हैं, आप चाहे बड़े हैं, उससे उम्र कोई फायदा मायने नहीं रखती इसमें। बस आप इतना बस ध्यान रखिए कि आपको मेहनत करनी है। चलिए हम आप बात करते हैं गिटार के पार्ट की। देखिए गिटार को मोटे तौर पे हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो इसका जो ये स्टार्टिंग जहाँ से ये है, ये जो फर्स्ट पोर्शन है इसका, ये हेड है, इसको हेड बोलते हैं, और ये जो पोर्शन है ये नेक है इसकी, और सारा गिटार नेक से प्ले होता है, और ये जो बॉडी है आपकी लास्ट में बॉडी है। तो अब हेड की बात करें तो हेड में ये ट्यूनिंग पग्स हैं, ये इनको ट्यूनिंग पैग्स भी बोलते हैं, इनको ट्यूनिंग पैग होते हैं ये, और या ट्यूनिंग नट्स भी बोल सकते हैं इनको, और इनसे हम गिटार को ट्यून करते हैं। देखिए ट्यूनिंग हर चीज की जरूरी है ना, तो हमारी ट्यूनिंग भी अगर सही है तभी हमारी बॉडी पूरी तरह से काम करती है। तो गिटार भी अगर आपको अच्छा साउंड सुनना है तो उसको ट्यून करना पड़ेगा। तो ट्यूनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जरा सा भी गिटार अनट्यून होता है तो थोड़ा सा वो कानों को बहुत अकड़ता है, और वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो नोट जाएंगे वो फिर बेसुरे जाएंगे। तो जब भी आप गिटार बजाएं सबसे पहले चेक करें कि गिटार ट्यून है कि नहीं है। आजकल ट्यूनिंग के बहुत सारे मेथड हैं। पहले तो एक जमाना था जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी तो कानों से हम लोग सुनते और सुन के जो म्यूजिशियंस थे वो गिटार को ट्यून करते थे, या कोई कीबोर्ड की सहायता से एक नोट ले लिया उसके बाद तो बाकी स्ट्रिंग्स को ट्यून कर लेते थे। लेकिन अब बहुत सारे ट्यूनिंग ऐप आ चुके हैं, पहले डिवाइस पे आती थी ट्यूनिंग के लिए, लेकिन अब वो भी रेलेवेंट हो चुकी है क्योंकि अब उतनी जरूरत नहीं है। आपके हैंड आपके फोन में ही सबको सारे ऐप बहुत सारे ऐप मिल जाएंगे आपको। कुछ पिच लैब है, गिटार ट्यूनर है, ये कुछ पॉपुलर ऐप्स हैं जिनके थ्रू मोस्टली जो गिटारिस्ट हैं या बिगनर्स सीखने वाले हैं सब उसको ट्यून करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट ये दिमाग में रखिए कि जब भी हम कोई साज छुएं हाथ उसको उठाएं बजाने के लिए सबसे पहले हम उसका गिटार की ट्यूनिंग करेंगे। आज हम गिटार की बात करें इसलिए गिटार की बात बता रहा हूँ मैं आपको। गिटार ट्यून करें, इंस्ट्रूमेंट ट्यून होना सबसे ज्यादा जरूरी है अच्छा संगीत बजाने के लिए, अच्छा संगीत सुनने के लिए। आपके दिमाग में सही स्वर तब जाएंगे जब गिटार ट्यून होगा आपका। तो पहला आपको लेसन सबसे पहला यही है कि गिटार को ट्यून करना है। गिटार ट्यून कैसे होगा ये मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा। इसके बाद ये नेक है, ये नेक फ्रेटबोर्ड भी इसको बोल सकते हैं, हम इसको फ्रेटबोर्ड ही बोलते हैं। ये जो पार्टीशंस बने हुए हैं ये फ्रेट्स कहलाते हैं बेसिकली, और फर्स्ट फ्रेट, सेकंड फ्रेट, थर्ड फ्रेट, फोर्थ फ्रेट, ऐसे ये फ्रेट्स चलते आते हैं, और करीब करीब एकॉस्टिक गिटार में 20 से 22 और इलेक्ट्रिक गिटार में थोड़े से और फ्रेट्स होते हैं। तो हर म्यूजिक के जॉनर के अकॉर्डिंग आप लोग प्ले करते हैं। कुछ सॉन्ग्स आपको ओपन स्ट्रिंग्स में या फर्स्ट पोर्शन में अगर बजाएंगे हम फ्रेटबोर्ड के तो वो अच्छे लगेंगे, कुछ मिडिल पार्ट में, और कुछ जैसे रॉक म्यूजिक है या मेटल म्यूजिक है वो जनरली पीछे की और ज्यादा प्ले होता है। तो डिपेंड करता है कि म्यूजिक का जॉनर कौन सा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ये पीस को कहाँ बजाना है। एक जो टोनल क्वालिटी है वो टोनल की टेक्सचर के हिसाब से, सॉन्ग की डिमांड के हिसाब से, या पीस जो भी हम मेलोडी बजा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग चूज करते हैं कि हमें कौन से पार्ट से हम ये वाला पीस बजाएं जो हमें ज्यादा सूदिंग साउंड दे, जो सुनने वाले को ज्यादा इम्पैक्ट डाले। इसलिए ये भी एक चयन हमारे लिए एक बड़ी समस्या होती है कई बार कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। बेसिकली हम कोई ट्यून को बजाएं तो कौन से पोर्शन से बजाएं, फिंगरिंग, प्रॉपर फिंगर कल्चर और सही फ्रेट्स का सिलेक्शन कि कौन से पार्ट से स्टार्टिंग फ्रेट के गिटार के ओपन पहले जो फर्स्ट के 4 फ्रेट है वहां पीस बजाएं, या मिडिल पोर्शन में बजाएं, या फिर हम इसके लास्ट पोर्शन में बजाएं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह का म्यूजिक बजा रहे हैं। खैर, तो अब ये फ्रेट्स है, इन फ्रेट्स के थ्रू हम लोग फिंगर्स को फ्रेट के बिल्कुल पास पर रखते हैं, जिससे क्या है कि हमें नोट्स की प्रॉपर नोट आए। ये देखिए ऐसे, ये
ये, और हम ये चारों फिंगर्स यूज करेंगे, 1 2 3 4। गिटार में हम ये चार फिंगर यूज करते हैं और थंब के सारे हम अपने गिटार को होल्ड करता है, मतलब ये बेसिकली जो मूवमेंट होगा ये फिंगर्स का, ये थंब के थ्रू होगा। ऐसा नहीं हमारा थंब ये लटका हुआ है हम ऐसे बजा रहे हैं, ये कुछ कंडीशंस में बजाएंगे, कुछ ओपन जैसे हम कॉर्ड्स वगैरह बजाते हैं जब हाफ बार, इसके हम बाद में बात करेंगे, तब ऐसा हम एक पोजीशन ले सकते हैं, अदरवाइज हमारा थंब पीछे रहना चाहिए और ये हमारे फिंगर्स हैं ये अपवर्ड्स रहनी चाहिए। इसके साथ एक फ्रेटबोर्ड और जो ये फिंगर्स हैं, ये जो आपकी जो पाम है और रिस्ट है और इसके फ्रेटबोर्ड के बीच में गैप होना चाहिए, ये ऐसे चिपके नहीं चाहिए। बहुत से लोग आप देखेंगे तो वो ऐसे चिपका के इसको बजाते हैं, ये इससे स्टिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा दूरी पर रहनी चाहिए इसको, क्योंकि ये बिल्कुल पास रहेगा तो फिर आपका मूवमेंट आगे नहीं हो पाएगा। आप 2-3-4 फेट तो बजा पाएंगे लेकिन जब आपको अगर आगे मूव करना होगा तो आप प्ले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपका हाथ को रोकेगा, वो जो आपका जो थंब की पोजीशन है। इसलिए थंब को हमें पीछे रखना है और थंब के अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट करना है। तो और जब हम गिटार बजाते तो कई बार ब्लाइंड रहता है, हम आपके सामने कॉपी देख के आपको बुक देख के रोजेशन देख के बजा रहे हैं, तो यहाँ पे ब्लाइंड गिटार बजाने की हमें हैबिट हो जानी चाहिए। तो जब हम प्रैक्टिस करें तो शुरुआत में हम भले ही अपने फेटबोर्ड की तरफ देखेंगे लेकिन उसके बाद फिर हम फेटबोर्ड भी देखना शुरू कर बंद कर देंगे और टच सेंस से हम लोग समझेंगे कि कौन सा नोट हम बजा रहे हैं, कहाँ बजा रहे हैं। एक हेल्प के लिए यहाँ पीछे की तरफ आप देखेंगे तो मार्कर होते हैं, तो फेट नंबर 3, फेट नंबर 5, 7, 9, 12, इस सब जगह आपको मार्कर लगे होते हैं, फिर 15, 17, 19 और नंबर्स में ये फेट मार्कर्स होते हैं। ये फेट मार्कर्स इसलिए होते हैं कि हम जब बजा रहे हैं, अगर मैंने किसी से कहा कि आप भाई 10th फेट से बजाना शुरू किए तो आपको पता है कि 9th फेट पे मेरा थर्ड ऑर्डर्स के अगला फेट जो होगा वो 10th होगा। अगर ये नहीं होंगे तो ये ब्लाइंड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, तो उसको फिर समझना थोड़ा सा, उसको फेट को कैच करना खासकर बिगिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। इनकी हेल्प के लिए ये मार्कर्स होते हैं जिससे हम नोट्स को प्रॉपर वे में पकड़ सकें। अगर कोई हमें बता रहा है कि हमें इस फेट पे जाना है तो सीधे जंप करना हो उस फेट पे, तो आप सीधे उस पर जंप कर सकें। तो ये बात आप ध्यान रखिए, मार्कर का यूज इसलिए करना है। ये मार्कर गिटार के फेटबोर्ड में भी होते हैं, लेकिन हम हमारा बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नीचे झुक के हमारी कमर पे झुक के, ऐसा होना चाहिए। हम लोग स्ट्रेट बैठेंगे जब गिटार प्ले करेंगे, और एक सिटिंग पॉस्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि अगर आप झुक के बैठ रहे हैं तो आपके झुकने से क्या होगा, आपका पॉस्चर बिगड़ जाएगा, तो ना तो ये लुक में अच्छा लगेगा, ना आप डैशिंग ग्राविस लगेंगे, और ना ये साउंड वाइज भी इसको आपको इम्पैक्ट डालेगा, आपका साउंड क्वालिटी होगी वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे प्लेइंग से हो। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, सिटिंग पॉस्चर का हमें ध्यान रखना है। फिंगर्स का हमें एक बात बता दूं मैं आपको, एक टिप्स का यूज करना है, हमें टिप्स यूज करना है, इसके आगे की स्किन को हमें कम से कम यूज करना है। जहां तक हो सके ये अपनी फिंगर से रोल हो गया है, ये एक शेप, एक कर्व, दूसरा कर्व और तीसरा कर्व, ये प्रॉपर फिंगरिंग होनी चाहिए आपकी, तब जाकर टिप्स आएगी। अगर ऐसे रही फ्लैट फिंगर स्ट्रिंग रहेगी तो फिर वो दूसरी स्ट्रिंग को म्यूट करेगी, एक तो डिस्टर्ब करेगी, और आपको जो आपको साउंड स्ट्रिंग का चाहिए शायद वो प्रॉपर ना आ पाए। तो आपको जैसे ये बजाना है तो आपको ये प्रॉपर फेट से बजाना होगा नोट को, जब आप प्ले कर रहे हैं तो आपका फिंगर टिप्स पर चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, इसमें जो अपना जो कोऑर्डिनेशन है ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड का दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ एक्सरसाइजेस के थ्रू हम इन दोनों चीजों को सीखेंगे जिससे कि हमारा दोनों का हाथ का बैलेंस है वो प्रॉपर आ पाए। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब आप दोनों हाथ से जो इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं उनमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और गिटार में तो खासकर बहुत ही जरूरत है। तो ये हमको भी ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन के लिए भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रहे दोनों हाथ का। तो अब हम बात करेंगे फेट्स के, हमने समझ लिया, हमने नेक को समझ लिया, और ये जो है ये मेरे पास आज इलेक्ट्रिक गिटार यूज कर रहा हूँ मैं, वरना एकॉस्टिक गिटार अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक साउंड बॉक्स होता है, तो साउंड बॉक्स होने से वो क्या होता है, उसको साउंड बॉक्स बोलते हैं, जो होल होता है वो साउंड होल होता है, उसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। तो उसमें जब हम स्ट्रोक करते हैं तो वो एक रिबाउंड होकर साउंड आती है, तो उस रेजोनेंस को फिर वो मेंटेन करती है। तो ये बेसिकली आपका साउंड बॉक्स है, तो वो एकॉस्टिक गिटार इसलिए होलो होता है, और इलेक्ट्रिक गिटार होलो नहीं होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक गिटार को अगर आपको प्ले करना है तो आपको एम्पलीफायर की जरूरत जरूर होगी। एकॉस्टिक गिटार बिना एम्पलीफायर के भी आप प्ले कर सकते हैं, और जो सेमी एकॉस्टिक गिटार है या सेमी इलेक्ट्रिक से बोल सकते हैं, उसमें आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, अगर आपको एम्पलीफायर बजाना चाहे तो एम्पलीफायर बजा सकते हैं, और आप उसको अगर हॉलो मतलब आप एकॉस्टिक के रूप में बजाना चाहें तो एकॉस्टिक में प्ले कर सकते हैं। तो ये गिटार की बेसिक बातें हैं, और ये बेसिकली हमें पार्ट्स को थोड़ा सा समझना जरूरी हो गया। अब बात करते हैं ट्यूनिंग की, तो देखिए ट्यूनिंग में क्या है कि 6 स्ट्रिंग है, 1 2 3 4 5 6, जो काउंटिंग हम करेंगे स्ट्रिंग्स की, बहुत से लोग गलती करते हैं वो ऊपर से काउंट करना शुरू करते हैं, जो बेसिकली उसको 6 होता है वो
नंबर सिक्स होता है उसको कई लोग फर्स्ट स्ट्रिंग मान लेते हैं, इसको फर्स्ट स्ट्रिंग मान लेंगे, इसको सेकंड स्ट्रिंग मान लेंगे, थर्ड स्ट्रिंग, ऐसा नहीं। ये होना चाहिए नीचे से काउंट, 1 2 1 2 3 4 5 6 डाउन टू अप, ये रहेगा सीक्वेंस आपकी ट्यूनिंग का और आपकी काउंटिंग का। जो स्ट्रिंग काउंट करेंगे वो नीचे से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये बहुत बेसिक बातें हैं, आप होस्ता आप में से बहुत लोग ये जानते हो, लेकिन फिर भी इसको जो नए हैं बिगनर्स हैं उनके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि छोटी चीजों से ही कोई चीज अच्छी इम्पैक्टफुल और एक एक खूबसूरती बनाने के लिए पहले चीजों को समझना जरूरी है। कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी हम अगर पेड़ या पौधा लगाते हैं तो पहले उसकी ग्राउंडिंग करते हैं, उस जो सरफेस है जमीन है उसको हम थोड़ा सा उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो ठीक ऐसे ही गिटार अगर हमें अच्छा बजाना है उसकी पहले ग्राउंडिंग करनी बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में कुछ बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, चाहे वो बहुत छोटी बात हो लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, तो वो समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बिल्कुल बिगिनिंग से आपको चल रहा हूँ मैं। तो स्ट्रिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 ये अपनी स्ट्रिंग्स हो गई, तो ये अपनी सिक्स स्ट्रिंग को नीचे से काउंट करते हैं। अब इनकी नेमिंग है, जैसे मेरा नाम पवन गोस्वामी है, आपका अपना सबका नाम होता है और एक नाम से पहचान होती है, तो ऐसे ही इन स्ट्रिंग्स की भी नाम से पहचान है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये कौन सा नोट है, ये कौन सा स्ट्रिंग है। तो ये थिकनेस भी इनकी हर स्ट्रिंग की अलग अलग होती है, वो साउंड की साउंड में वैरायटी करने के लिए है कि आपका वेरियस जो आपका जो साउंड है वो थिकनेस के हिसाब से अलग अलग बिहेव करता है, वो अलग तरह का साउंड करता है। तो वो उसके हिसाब से जब उनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम साउंड्स का, तो अलग स्ट्रिंग जब बजाते हैं तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, सुनने में खूबसूरत लगता है। वरना अगर एक स्ट्रिंग में पूरा सॉन्ग बजाएंगे, कोई मेलोडी बजाएंगे तो वो थोड़ा सा मोनोटोनस लगेगा। इसीलिए इसको नोट्स को बांट देते हैं, हम चाहें तो एक नोट में एक सरगम या एक स्केल बजा सकते हैं, लेकिन उसको नहीं बजाते, उसकी वजह से इतना ही है कि वो साउंड फिर मोनोटोनस हो जाएगा, एक सा साउंड होगा। इस जो गिटार का नेचर है वो यही है, इसमें एक एक इसकी खिलावट है इसके साउंड में, तो वो खिलावट तभी आएगी जब हम सारे स्ट्रिंग्स का प्रॉपर यूज करेंगे। तो स्ट्रिंग की हो गई बात, उसकी नेमिंग की मैं बात कर रहा था। तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो उसका नाम है ई, इसको बोलते हैं ई। देखिए ये इंस्ट्रूमेंट वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी अब जो हम मीडियम हो उसको पढ़ने का वो इंग्लिश ही होना चाहिए। इंग्लिश इन द सेंस कि मतलब मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसके जो नोट्स हैं, जो कॉर्ड्स हैं, वो सब इंग्लिश पैटर्न पे हैं, वेस्टर्न म्यूजिक थ्योरी पे डिपेंड है। तो जो कुछ लोग इसको सारेगामा से भी सिखाते हैं, सारेगामा से भी इसको सीखते हैं बहुत से लोग, तो मेरा ये मानना है कि वो मेथड उतना सही नहीं है। इसलिए आपको अगर आपको प्रॉपर गिटार बजाना है, आपको प्रॉपर गिटार सीखना है, तो आपको इसका जो क्योंकि ये अगर ये सितार होता, ये हारमोनियम होता, तो हम इस पर सारेगामा से हम इसको सीखते, लेकिन ये चूंकि वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है और ये आप होता आज यहाँ जयपुर में, कल होता किसी दुनिया किसी कोने में हो, तो वहां पे फिर आपको जब गिटार आप कहीं से सीखेंगे सुनेंगे तो वो फिर बात वो करेंगे वेस्टर्न नोट्स में, तो फिर आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि नोट्स कहाँ से आई है, तो मैंने कभी सीखा ही नहीं। तो उस वर्ड आपकी सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो, आप अपने आप को ऐसा ना सोचे कि मैंने शायद गलत तो नहीं सीख लिया। तो ठीक है, एक मंजिल दोनों की एक ही है, चाहे पैटर्न कोई भी हो, चाहे इंडियन म्यूजिक हो, चाहे वेस्टर्न म्यूजिक हो, आप एक वक्त पे जाके मिल जाते हैं और वो दोनों एक सा ही बात करते हैं, लेकिन कहने का तरीका अलग होता है और तरीके पे बहुत सारी चीजें डिपेंडिंग है। तो सीखने में हमें सही तरीका अपनाना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये नोट्स सिखाऊंगा, इस स्केल सब सिखाऊंगा, ये वेस्टर्न पैटर्न पर सिखाऊंगा मैं। तो फर्स्ट स्ट्रिंग जो है वो है ई, सेकंड स्ट्रिंग है बी, बी फॉर बॉम्बे, फर्स्ट स्ट्रिंग ई फॉर एलिफेंट, सेकंड स्ट्रिंग बी फॉर बॉम्बे, और थर्ड स्ट्रिंग है वो जी, फोर्थ स्ट्रिंग है डी, फिफ्थ स्ट्रिंग ए, सिक्स्थ स्ट्रिंग ई। तो फर्स्ट और सिक्स स्ट्रिंग का नेम सेम है, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, आप लोग चाहे तो नोट कर लें। फर्स्ट स्ट्रिंग है वो है ई, सेकंड स्ट्रिंग बी, थर्ड स्ट्रिंग जी, फोर्थ स्ट्रिंग डी, फिफ्थ स्ट्रिंग ए, सिक्स्थ स्ट्रिंग ई। तो जब हम इसको ट्यून करते हैं तो ट्यूनिंग के वक्त में याद रखना है जो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है वो यही होती है, ई बी जी डी ए ई। थोड़े से एडवांस लेवल पे हम ट्यूनिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं, कुछ कुछ पीसेस में हम चेंज करते हैं ट्यूनिंग, वो बहुत लेकिन बहुत ही कम होता है और बहुत रेयर आपको मिलेगा कि आप स्टैंडर्ड ट्यूनिंग से अलग बजा रहे हैं। अदरवाइज मोस्टली जो स्टैंडर्ड ट्यूनिंग पे ही प्ले होता है उस पे ही प्ले करना चाहिए, यही सही तरीका है। तो अब स्ट्रिंग नेम हम जान चुके हैं, ई बी जी डी ए और ई, ये हो गए स्ट्रिंग्स की बात। अब आप बात करेंगे इसको हम प्ले, ये प्लेक्टम गिटार है, ठीक है। एक होता है क्लासिकल गिटार जो फिंगर स्टाइल गिटार होता है, वो फिंगर से बजता है, वो नायलॉन स्ट्रिंग्स होती है
इसकी स्ट्रिंग्स हैं वो नायलॉन स्ट्रिंग नहीं है, ये मेटल की स्ट्रिंग्स है। तो हम जो ये प्ले करते हैं ये प्लेक्ट्रम से प्ले करते हैं, ये प्लेक्ट्रम है, इस प्लेक्ट्रम को ये ट्राइंगल होता है बेसिकली, और इसको जो तरीका है सही मायने पकड़ने का उसको ऐसा है कि दो एंगल छुप जाए हमारी ग्रिप के साथ और एक एंगल जो है वो सामने रहे। तो इससे क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम ऐसे स्ट्रोक करेंगे, और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना वो सारा प्रेशर आपका इस प्लेक्ट्रम के यहाँ पे आना चाहिए। रिस्ट अगर आप टाइट कर लेंगे, रिस्ट पे प्रेशर डाल लेंगे तो फ्री आपको फ्री हैंड मूव नहीं होगा। इसका मूवमेंट करने के लिए आपका सही तरीका ये है कि आप इसके रिस्ट को यहाँ पे प्रेशर रखें, जिससे हम डायनामिक्स भी कंट्रोल कर पाएंगे और हम प्रॉपर वे में इसको प्ले कर पाएंगे। और ये रिस्ट है आपकी बिल्कुल ब्रोकन स्ट्रिंग रिस्ट जैसा होना चाहिए, आप बिल्कुल फ्री रखें, इसका लॉक पॉइंट हो यहाँ पे हो, और ये मोशन छोटा छोटा हो, क्योंकि गिटार के स्ट्रिंग्स बहुत पास पास होते हैं, तो वो आप जब प्ले करेंगे तो आपको अंदाज हो जाएगा। अब देखिए मैं ये प्ले कर रहा हूँ, जैसे तो जिस स्ट्रिंग को बजाना चाह रहा हूँ मैं वही स्ट्रिंग प्ले कर रहा हूँ, कई बार स्टार्टिंग में बच्चे पैटर्न ऐसा ये इस तरह से होने लगता है, ये जब कंट्रोल नहीं रहता इस पे तो वो हाथ इधर से जाता है और इधर मूवमेंट जाता है। तो आप इसको बस ये ध्यान रखना है, ये मोशन आपका बहुत कंट्रोल रहे, और स्टार्ट जब आप करें बहुत स्लो करें, जल्दीबाजी ना करें, सबको जल्दी सीखने की, लेकिन अगर स्टार्टिंग में हमने टाइम दे दिया इन चीज़ों पे तो आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी, जो आगे का समय लगने वाला है वो हमारा कम हो जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें जब आप प्ले कर रहे हैं, तो बहुत जो कोई भी नई एक्सरसाइज, कोई भी नई चीज़ आप स्टार्ट करें, पहले जितना एज स्लो एज पॉसिबल आप प्रैक्टिस करें, जिससे क्या होगा कि वो आपकी प्रैक्टिस होगी वो पुख्ता होगी, 100% गारंटी है। जितना आप स्लो बजाएंगे उतना बाद में फास्ट बजा पाएंगे और अच्छा बजा पाएंगे, आप एक साउंड क्वालिटी को पहचान पाएंगे कि सही मायने में साउंड कैसे आ रहा है गिटार का मेरा, और मैं उस पर कंट्रोल कर पा रहा हूँ। आपने इन एक्सरसाइज के थ्रू आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका आप गिटार पे जल्दी मास्टर होने की चांस रहेंगे आपके। तो इस बात का जो ध्यान रखें, जल्दीबाजी ना करें, शुरू में लगता है कि नहीं नहीं यार फटाफट कर लेते हैं, फिर ये नए एक्सरसाइज करेंगे उस पर जल्दी से गाने कब सीखेंगे, ये सवाल बहुत जल्दी आते हैं कि अरे गाने कब बजाएंगे। देखिए गाने बजाना सब चाहते हैं, अल्टीमेट गोल जो होता है सबका गिटार गाने बजाने का होता है, लेकिन सबसे पहले ध्यान रखिए गाने बजाने से पहले उस इंस्ट्रूमेंट पे थोड़ी कमांड आनी बहुत जरूरी है। जैसे जो भी कोई पीस मेलोडी कोई सॉन्ग बजाएं तो उसकी खूबसूरती निखर के आए, और आप कोई जब किसी को सुनाए तो उसको लगे कि हाँ वाकई ये गिटार बजाए और बहुत अच्छा बजाया। तो आप अगर इम्प्रेसिव गिटार बजाना चाहते हैं तो थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करें, आपको सिर्फ घास काटनी है, आप सोचें फटाफट बजा के हम तो बस एक बार बजा लें, बजाना उद्देश्य नहीं है। म्यूजिक में 12 ही नोट होते हैं, उन 12 नोट के लगाने के तरीके भी सब चीज़ खूबसूरती जो है वो नोट्स के लगाने के तरीके पे है। तो लगाव जो स्वरों का होता है वो आपको इन एक्सरसाइजेस से, आपके पेशेंस से, इसीलिए कहते हैं म्यूजिक में बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि एक चीज़ को मानने में, उसको रिफाइन करने में बहुत टाइम लगता है। तो ये इस सेशन के थ्रू आप जो सीखेंगे उसको आप आगे तक प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा नहीं है कि 3 दिन में प्रैक्टिस खत्म होगा उसके बाद आप गिटार का आपका छूट जाए चाम, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लंबे समय तक उसकी प्रैक्टिस करते रहे तभी इसका आपके पर्पज सॉल्व होगा, अदरवाइज ये खाना पूर्ति होगी, आपने ठीक है आपने गिटार बुक अटेंड कर ली लेकिन उससे आपने गेन क्या किया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आप मुझे और तभी जवाब लगेंगे याद कर पाएंगे कि हाँ मैंने 3 दिन की वर्कशॉप में ही इतना कुछ सीख लिया कि मुझे अब मजा आने लगा, अब मैं इसको एडवांस लेवल पर जाने के लिए आगे किसी वर्कशॉप में जा करूँगा या किसी क्लास को ज्वाइन करूँगा, वो आपकी चॉइस है, लेकिन एक बार आप उस लेवल तक जरूर पहुंच जाए। तो अब मैं बात कर रहा हूँ प्लेक्ट्रम को पकड़ने की, तो इसको ऐसे होल्ड करके आप रिस्ट को ऐसे प्रैक्टिस कीजिए, डाउन अप पिकिंग जो होगी ऑल्टरनेट ही होगी, ऑल्टरनेट पता है एक डाउन स्ट्रोक एक अप स्ट्रोक, एक डाउन स्ट्रोक अप स्ट्रोक, एक डाउन स्ट्रोक अप स्ट्रोक, क्योंकि ये डाउन अप स्ट्रोक होने से आपकी स्पीड जो है वो जल्दी बनेगी गिटार पे, और जब आप राइट हैंड से बजाएंगे जब लेफ्ट हैंड से आप प्ले करेंगे तो वो आपकी स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करेगा, अगर आप डाउन अप स्ट्रोक कर रहे हैं तो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डाउन डाउन स्ट्रोक कर रहे हैं तो एक डाउन डाउन की एक लिमिट होती है, आप इससे ज़्यादा स्पीड पर नहीं जा पाएंगे, आपका हाथ स्ट्रक होगा 100% हाथ आपका रुकेगा। तो वो हाथ रुकने का मतलब है कि आप फिर अच्छा स्पीड में कोई चीज़ बजाना हो तो वो आप नहीं बजा पाएंगे। तो एक तो चीज़ ये, और ये इसके प्रेशर पर आपके डायनामिक्स डिपेंड करता है। डायनामिक्स क्या है, डायनामिक्स बेसिकली साउंड का लेवल है कि आप किसी को बहुत सॉफ्ट बजा रहे हैं, कोई बहुत किसी लाउड बजानी है ना, तो कोई भी सॉन्ग होगा कोई भी एक्सप्रेशन जो होगा वो डायनेमिक्स से आएगा, और एक्सप्रेसिव बनाने के लिए सॉन्ग को एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है और एक्सप्रेशन डायनेमिक्स से आते हैं। आज हम बात करते हैं तो कई बार हम बहुत तेज बोलते हैं, कई बार हम बहुत स्लो बोलते हैं, ये क्या है, ये वॉइस का मॉड्यूलेशन है, ये यही बेसिकली डायनेमिक्स है।
तो डायनामिक्स का इम्पोर्टेंस बहुत है. जब आप थोड़ा सा बजाने लग जाएंगे गिटार तो आपको आइडिया लगेगा कि एक सॉन्ग आप विद डायनामिक्स बजा रहे हैं, एक विदाउट डायनामिक्स बजा रहे हैं, तो उसमें रात दिन का फर्क आ जाएगा. तो आप जब सुनेंगे, महसूस करेंगे, आप किसी भी अच्छे गिटारिस्ट का गिटार सुनिए, आप कोई रिकॉर्डिंग सुनिए, आपको इसका आइडिया लग जाएगा कि हाँ, बहुत सारी जगह उन्होंने वो आपको वॉइस को थोड़ा सा माइल्ड कर देंगे, थोड़ा सा लाउड करेंगे या ग्रेजुअली इसको बढ़ाएंगे. तो ये हम धीरे धीरे सीखेंगे डायनामिक्स के थ्रू. तो डायनामिक्स को कैसे यूज करना है वो भी हम सीखेंगे, और डायनामिक्स को लेकर समझना हो. तो डायनामिक्स कंट्रोल तभी होगा जब आपका प्रैक्टम पर कंट्रोल होगा. जनरली बहुत सारे लोग इसको बहुत कैजुअल लेते हैं, प्रैक्टम तो ऐसे कैसे पकड़ लिया इसको, ऐसा नहीं ऐसे पकड़ लूँ, ऐसा बजा लूँ, तो वो एक पर्पस सॉल्व नहीं करता आपका. और बाद में आप जब अच्छा नहीं बजा पाते तो आपको समझ नहीं पाते कि क्यों नहीं हो पा रहा है. तो उसकी वजह मोटे तौर पर यही रहती है कि आपकी आपका जो ग्रिप है वो प्रॉपर नहीं होती है. तो आप सबसे पहले इसको ग्रिप करिए कि अगर कोई दूसरा इसको निकाले तो वो निकल ना सके. जैसे मैं इस हाथ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा गिटार से ग्रिप नहीं आ रहा. अगर ये लूज पकड़ा होगा तो निकल जाएगा. निकल गया तो आप पहले आपका कंट्रोल नहीं है. आप चाहें तो आप छोड़ दें, आप चाहें तो ना छोड़ पाए. अगर ये नहीं कर पा रहे इसका मतलब आपका कंट्रोल नहीं है. दूसरी बात, अभी ये मेरी गिटार बेल्ट पे होल्ड है, लेकिन अगर आपकी गिटार बेल्ट नहीं है तो आप जो ये कट होता है गिटार में, कट होता है, ये कट हर गिटार मिलेगा. आप चाहे 2000 का गिटार खरीदें चाहे 2 लाख का गिटार खरीदें, कट जरूर होगा. वो कट बेसिकली इसलिए होता है कि आप राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड की सहायता के बिना इस गिटार को होल्ड कर सकें. तो गिटार की होल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. आप राइट हैंड से ही इस गिटार को होल्ड कर सकें. अब देखिए मैंने कर रखा है, तो अब ये गिटार कहीं नहीं आ रहा है. अगर ये गिटार नीचे आ रहा है, ऊपर हिल रहा है, इसका मतलब आपका कंट्रोल नहीं हुआ. तो उसके लिए कट को है वो थाई में फिक्स कर लें, उसके बाद आपका गिटार नहीं हिलेगा, मूवमेंट नहीं होगा. और मूवमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब आपकी ग्रिप अच्छी आ गई. तो जब भी स्टार्ट करें तो आप सिटिंग पॉस्चर का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें. आप कोशिश करें कि स्ट्रेट बैठें और उसके बाद गिटार को होल्ड करें, थाई में उसका कट लगाएं, और उसके बाद राइट हैंड से इसको होल्ड करें, लेफ्ट हैंड को बिल्कुल ना छोड़ दें, और राइट हैंड को मूव करके देख लें. इसका मतलब ये हाथ आपका, आपका गिटार कंट्रोल में है. अब गिटार कंट्रोल में है तो आप फिर कंट्रोल के साथ कुछ बजा पाएंगे. तो ये गिटार के बेसिक हो गए कि हम कैसे गिटार के साथ बैठें, के साथ कैसे गिटार को हम प्लेक्टम को होल्ड करें, कैसे हमें स्ट्रोक करना है, डाउन और डाउन स्ट्रोक करना है हमें, और ट्यूनिंग सबसे पहले करनी है EBGDA AE के हिसाब से. इतना हमें आ चुका है और मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ आराम से समझ में आ गई होगी. अब हम बात करेंगे कि स्ट्रोक्स की पहले एक्सरसाइज हम क्या करें, गिटार में सबसे पहले स्टार्ट करते ही हम क्या करें, ये सवाल सबसे पहले आता है. देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एक से है इंग्लिश में. तो प्रैक्टिस बात ठीक है, परफेक्ट करती है, लेकिन वो प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए, सही तरीके से की जानी चाहिए. गलत प्रैक्टिस, रॉन्ग प्रैक्टिस नेवर मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो आपको अगर परफेक्ट बनना है तो आपको सही प्रैक्टिस करनी होगी. तो इस कहावत को थोड़ा सा आप चेंज करके समझें और हमेशा याद रखें कि हमें सही प्रैक्टिस करनी है, सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके लिए प्रैक्टिस यूजफुल होगी. अदरवाइज वो प्रैक्टिस कोई सेंस नहीं रखेगी अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे. जो एक राइट वे है, जो राइट टेक्निक है, उसके थ्रू नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस वेस्ट है. तो सबसे पहले हम डाउन अप डाउन अप डाउन अप, पहली एक्सरसाइज ये करनी है हमें. हर स्ट्रिंग पे 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट, ज्यादा बजाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप 2 मिनट के लिए हर स्ट्रिंग पे डाउन अप डाउन अप. अब देखिए ये बिल्कुल जग नहीं आना चाहिए, डाउन अप प्रॉपर प्ले होना चाहिए. ये नहीं आना चाहिए इस तरह से, नहीं आना चाहिए ये या कुछ ऐसा, ऐसा नहीं, बिल्कुल डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन. एटलीस्ट 2 मिनट कम से कम एक स्ट्रिंग पे मिनिमम में है ये, कम से कम. चाहे आप बोर हो रहे हो, चाहे आपको अच्छा लग रहा हो, चाहे ना लग रहा हो, लेकिन इस पे कंट्रोल तभी आएगा जब आप ये डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप. जब 2 मिनट कंप्लीट हो जाए तो फिर सेकंड स्ट्रिंग डाउन अप डाउन अप. तो जब आप स्ट्रिंग चेंज करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा डिस्टेंस का. अगर आप जब चेंज कर रहे हैं स्ट्रिंग और जिस स्ट्रिंग पे आप चाह रहे हैं वो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अभी आपका. और ये बात भी ध्यान रखिए, बहुत से लोग इधर ऐसा देखते रहते हैं, ये पूरा फोकस इस तरफ लेते हैं, जबकि गिटार में जो सारा नोट्स हैं, सारी मेलोडी बजेंगे वो इस तरफ से बजेंगे, लेफ्ट हैंड से. तो ये हमें हाथ जो है राइट है वो ब्लाइंड बजाना है, हमें ब्लाइंड कॉपी ब्लाइंड बजाना है, हमें इस तरफ नहीं देखना है. तो हमें हैबिट ऐसे बनानी है विद इन 2 or 3 days, मैक्सिमम 3 days में बांध देता हूँ स्टूडेंट्स को, कि वो 2 दिन के अंदर ही बल्कि इसको ऐसे पैच कर लें कि हमें राइट हैंड में वो देखना ही ना पड़े. स्ट्रिंग्स पे वो कंट्रोल इतना कर लें इस एक्सरसाइज के थ्रू, जिससे क्या उनको देखना ना पड़े. अभी सेकंड स्ट्रिंग भूल गई और मन में स्ट्रिंग का नेम भी भूल जाए, इससे वो दिमाग में फिक्स हो जाए कि स्ट्रिंग का नेम क्या है. ई और बी हमने कर लिया, अब हम करेंगे जी स्ट्रिंग. डाउन अप डाउन.
down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down, up, down. अगर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो आप स्ट्रिंग्स को तो आप जरूर देखें और कंट्रोल करें, देखें कहाँ गड़बड़ हो रही है। और देखिए इस पर ये जो ये पोर्शन है ये आपको बहुत थोड़ा सा छोड़ना है। अगर आप ज्यादा लंबा छोड़ देंगे, अगर ये पोर्शन ज्यादा अगर रहेगा तो ये फिर दूसरे स्ट्रिंग को टच करेगा, 100% टच करेगा। तो इसको स्पेस कम देने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्पेक्ट्रम को बहुत आगे से पकड़ेंगे और इसका बहुत थोड़ा सा पार्ट बाहर निकालेंगे जिसके थ्रू हम प्ले करेंगे। डाउन अप डाउन अप, जी स्ट्रिंग, जी स्ट्रिंग के बाद हम करेंगे डी स्ट्रिंग, फोर स्ट्रिंग। दिमाग में क्लियर होना चाहिए फोर स्ट्रिंग है, डी स्ट्रिंग है, और बहुत जल्दी हम स्ट्रिंग के नेम से इनको पहचानेंगे ना कि नंबर से। तो ये डाउन अप, इसके बाद फिफ्थ और इसके बाद सिक्स। तो पहली एक्सरसाइज हमारी क्लियर हो गई कि हमें डाउन अप प्रैक्टिस करनी है स्ट्रिंग फर्स्ट से लेके सिक्स तक, राइट। तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। तो पहली एक्सरसाइज हमारी सबसे पहले स्ट्रिंग कोऑर्डिनेशन के लिए, स्ट्रिंग्स की गैप्स को समझने के लिए, इसके प्रॉपर गैप कैसा है उसको हम प्रॉपरली कर पाए, इसके लिए हमें ये चीज समझना जरूरी है। तो ये तो हमें पहली एक्सरसाइज से आ गया। अब इसके बाद हम इधर एक्सरसाइज करेंगे। पहली थोड़ा सा फिंगर को स्ट्रेंथ करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं, या पहले स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है, गिटार में स्ट्रेचिंग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्ट्रेचिंग करने के लिए पहले हम सबसे पहले एक बार थोड़ा स्ट्रेंथ करने के लिए हाथ को स्ट्रेट कर लें, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट करने के बाद फर्स्ट स्ट्रिंग को हमने 30 सेकंड के लिए बैक किया। ये पूरा हाथ स्ट्रेच होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. इस तरह से हम हर एक्सरसाइज, हर फिंगर को स्ट्रेच करेंगे तो इसकी जो स्टिफनेस ऑफ फिंगर्स की वो चली जाएगी। और जब अगर फिंगर स्टिफ नहीं होंगी आपकी, जब ओपन हो जाएंगी फिंगर्स बहुत लूज हो जाएंगी, तो आप फिर इंस्ट्रूमेंट्स पे बहुत तेजी से आप उसको प्ले कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम करेगा, आपका हाथ बहुत अटकेगा। तो हाथ ना अटके इसके लिए हमें इस तरह की एक्सरसाइज को करना जरूरी है। और फिर उसके बाद उसको लूज कर लें बिल्कुल, जब आप 1, 2, 3, 4 चारों स्ट्रिंग में कर लेंगे, पांचों स्ट्रिंग में, इवन थंब में भी, तो स्ट्रेचिंग से आपका आपको बहुत बहुत फिंगर बहुत लूज मिलेंगे आपको। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक है जिसके थ्रू हम अपनी चीज को अच्छा कर पाएंगे। ये सब करने के बाद फिर हम जो प्रॉपर हमें सीखना है वो हम करेंगे। तो अब स्ट्रेचिंग की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। कोई भी नोट्स या स्केल बनाने से पहले हमें पहले फिंगर्स को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप फिंगर नंबर, फ्रेट नंबर 1, 2, 3 और 4। अब ये देखिए मेरी फिंगर जो है वो फ्रेट के एज पे है, बिल्कुल एज पे होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्रेट के पास में हो गया। हर स्ट्रिंग एज पे होनी चाहिए और उसके बाद 1, 2, 3, 4 सेम एक्सरसाइज, नीचे चलेगा इसी को। ये बहुत कॉमन एक्सरसाइज है जो जनरली हर गिटारिस्ट जानता है, बजाता है, तो वो इसलिए क्योंकि ये फिंगर स्ट्रेचिंग में आपको बहुत हेल्प करती है। इसके बाद कंटिन्यू बजाएंगे, ये बेसिकली क्रोमेटिक एक्सरसाइज है। आगे ले गए, ये फिंगर्स फ्लाइंग फिंगर्स नहीं होनी चाहिए आपकी, कोशिश कीजिए ये फ्रेट के बिल्कुल पास रहे, जो जब हम स्पीड बजाएंगे तो ये अगर फिंगर्स बहुत दूर नहीं जाएंगे तो अपन इजीली बजा पाएंगे। अगर ये फिंगर्स दूर दूर होंगी तो ये टाइम जो होता है ये आने का, ये फिंगर्स का, ये बहुत आपकी स्पीड को इम्पेक्ट डालेगा आपकी। तो ये 1, 2 ऐसा नहीं बजानी है, फिंगर्स को बिल्कुल फ्रेट के ऊपर रखना है और वेट करना है कमांड का कि जैसे ही फिंगर नंबर आए तो फिर आपने ये फिंगर ले लिया।
ये एक्सरसाइज आपको बहुत हेल्प करेगी फिंगर स्ट्रेचिंग में। अभी आपकी हुस्ता है, फोर्थ फिंगर काफी प्रॉब्लम करेगी। जो अपनी वीकेस्ट फिंगर होती है वो फोर्थ फिंगर होती है, पिंकी फिंगर जो है वो वीकेस्ट फिंगर होती है। तो गिटारिस्ट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो बिगिनर्स में, बिगिनिंग में, वो ये आती है कि इस फिंगर को कैसे स्ट्रॉन्ग करें या इससे हम कैसे काम करवाएं। तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है बस ये फिंगर्स है। इस फिंगर को जब हम जितनी एक्सरसाइज करेंगे, जितना हम स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे, हम बजाएंगे, तो हमारी फिंगर खुलती जाएगी और फिर ये इतनी ही स्ट्रांग हो जाएगी जितनी बाकी की अपनी 1-3 फिंगर्स हैं। तो ये बात हमेशा देखिए, फोर्थ फिंगर को अवॉइड नहीं करना है। बहुत से लोग कहते हैं अरे सर ये तो स्ट्रेच नहीं होती है, तो इसमें तो पावर ही नहीं आती, इससे हम कैसे बजाएं। तो ऐसा कहने से आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि फोर्थ फिंगर को यूज करे बिना आप गिटार नहीं बजा पाओगे। इस बात को जरूर जानना चाहिए, इसलिए फोर्थ फिंगर की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, इवन हर फिंगर की एक इंपॉर्टेंस है, थंब की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो आपको फिंगर चारों ही यूज करनी है, 1, 2, 3, 4 फोर्थ फिंगर यूज करनी है और सेम प्रेशर से इनको इस्तेमाल करना है, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। तो ये मत सोचिए कि आपको जो लगता है कि अगर थर्ड फोर्थ आपकी प्रॉब्लम फिंगर रखी तो आप ये सही करते हैं, थर्ड फिंगर पे एक रख लिया आपने, थर्ड फ्रेट पे और फोर्थ पे, इसको बंद उठाइए, सीखिए, इससे क्या हुआ आपके फोर्थ फिंगर थोड़ा सा वर्क करने लग जाएगी। देखिए कोई भी चीज एक दिन में नहीं होगी, शुरू में दिक्कत आएगी, थोड़ा खराब साउंड करे होता है, होता ना बजे आपसे, लेकिन आप निराश मत होइएगा, आप प्रैक्टिस करते रहिए, तभी ये फोर्थ फिंगर आपकी यूजफुल होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आपकी फिंगर्स का सही मूवमेंट और रखने का सही तरीका, प्रॉपर फिंगर कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंगर का प्रेशर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपकी फिंगर्स को प्रॉपरली यूज करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, और फिंगर्स को ऐसा नहीं कैसे भी रख लिया अपने और हम सोचें कि हम इससे अच्छा बजा लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था शुरू से कि शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप उससे उसकी बिल्कुल परवाह मत कीजिए, क्योंकि आपका ये आगे का टाइम सेव कर रहा है। ये बात हमेशा याद रखना, अभी जो टाइम लगाएंगे वो आपके आने वाले कई सालों का टाइम आपको बचा लेगा। जब आप बड़े पीसेस बजाएंगे, कोई एडवांस पीस बजाएंगे, तो आप नहीं बजा पाएंगे अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं है। तो इसलिए ये बात जरूर याद रखिएगा कि आपको फिंगर्स का प्रॉपर कल्चर रखना है। तो सबसे पहले आपको ये एक्सरसाइज करनी है, इसको हम वैरायटी भी इसमें कर सकते हैं, 1-3, 1-3, 1-3, 1-3, कोई भी एक्सरसाइज हम बना सकते हैं अपने क्रिएटिविटी से, 1-4, 1-4, 1-4। ये स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, और भी नहीं तो और कुछ नहीं, अगर यहाँ नहीं बजाया तो इस फिंगर को यहाँ रख के आप कोशिश कीजिए आप कितना आगे तक अपनी फिंगर को ले आ सकते हैं। तो धीरे धीरे ये देखिए हाथ की शेप ऐसे बन गई ना, ये जो गैप ये बन गया, ये गैप बन गया, इन फिंगर्स का गैप होना बहुत जरूरी है। जनरली थर्ड और फोर्थ फिंगर बहुत से लोगों की बहुत साथ चलती है, ये जुड़वा बहनों की तरह होती है, तो इनको अलग करना बहुत जरूरी है। तो इनको अलग करने के लिए आपको ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप कि आपको ये स्ट्रेचिंग पे बहुत स्ट्रेस दे रहा है। जब स्ट्रेचिंग आपकी प्रॉपर हो जाएगी, धीरे धीरे जब इसकी खुल जाएंगी, स्टिफनेस निकल जाएगी, तो आपकी फिंगर आराम से स्ट्रेच होने लगेगी, फिर आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे, उसके बाद फिर आपको पीछे नहीं मुड़ना, फिर आपको बस आगे बढ़ना है। तो ये तो बात हुई हमारी स्ट्रेचिंग की। तो ये फिंगर एक्सरसाइज आपको करनी है, और जिससे इस एक्सरसाइज से आपका दोनों हाथ का बैलेंस भी होगा, जब आप ये और ये दोनों बजाएंगे तो कोऑर्डिनेशन बनेगा इन दोनों का, और धीरे धीरे आपकी ग्रिप उस पर बनने लग जाएगी। अब सबसे बड़ी बात, इसके बाद हम क्या करें कि अब ये सब चीज़ें हमने सीख ली, बेसिक एक्सरसाइज कर ली हमने, फिंगर स्ट्रेचिंग की कुछ एक्सरसाइज कर ली, और हमने समझ लिया कि कौन से नोट्स की ट्यूनिंग कैसी है इसकी स्ट्रिंग की और स्ट्रिंग्स की, और साथ में हमारा प्रैक्टम को कैसे होल्ड करना है, ट्यूनिंग कैसे करनी है। ट्यूनिंग के लिए आजकल मैंने बताया था आपको, जैसे ऐप्स आते हैं, ऐप के थ्रू आप आराम से करते हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे आप स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत ना आए तो आप एक अपने टीचर से या किससे करवाते हैं जो थोड़ा ट्यूनिंग करना जानते हैं, क्योंकि आप जल्दी से करेंगे तो स्ट्रिंग टूटने का डर रहता है। तो ट्यूनिंग करते वक्त ऐप से भी कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से करें, जिससे आपकी स्ट्रिंग ना टूटे। तो एक तो वो चीज़ आपकी ट्यूनिंग प्रॉपर हो जाएगी, तो उसके बाद आप फिर एक्सरसाइज पर जाइए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो है स्केल्स का। तो हम आने वाले समय में स्केल सीखेंगे, वैसे तो स्केल्स बहुत सारे होते हैं। स्केल क्या है बेसिकली मैं बताऊँ आपको, स्केल एक तरह की जैसे आप आम भाषा बोलते सरगम है, लेकिन इसके अगर टेक्निकल डेफिनेशन से पूछो तो सही बात बताऊं तो उसकी है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, अल्फाबेटिकल सक्सेशन ऑफ नोट्स। तो जो एक
म्यूजिक के भी अपने अल्फाबेट हैं, जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट चलते हैं सी डी एफ जी ए बी सी, ए बी सी डी एफ जी ए बी सी, तो इस तरह से जो चलते हैं इसी तरह से म्यूजिक के ये नोट्स हैं, बेसिकली सेवन नोट्स हैं। तो एक तो सी, जो वेस्टर्न म्यूजिक स्टार्ट होता है वो सी लेटर से होता है, ऐसा मान के चले आप, सी फिर डी फिर ई फिर एफ फिर जी, यानी कि जो जी है वहां तक तो अपना अल्फाबेट जैसे इंग्लिश में चलते हैं वैसे चलते हैं सी डी ई एफ जी, लेकिन जी के बाद इंग्लिश में के अकॉर्डिंग नहीं चलते, फिर वो चलता है अपने म्यूजिक के लैंग्वेज, तो जी के बाद आता है ए, ए के बाद फिर बी, यानी कि सी डी ई एफ जी ए बी, ये अपने सेवन नोट्स हो गए। इन सेवन नोट्स के इर्द गिर्द ही पूरा म्यूजिक रचा हुआ है, और उसके बाद चार नोट्स और पांच नोट और ऐड हो जाते हैं, टोटल म्यूजिक में 12 नोट्स होते हैं। तो 12 नोट्स कैसे होता है मैं अभी समझाऊंगा आपको, लेकिन पहले आप समझ लें बेसिक जो नेचुरल नोट्स हैं, जो अगर हम अगर कॉपी पे लिख रहे हैं तो हम सबसे पहले लिखे हैं हेडिंग टाइप्स ऑफ नोट्स, यानी कि किन किन नोट्स से हमको डील करना होगा आगे जाके। तो हमें डील करना होगा, सबसे पहले आप लिखें नेचुरल नोट्स, मैं थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ कि आपसे लिखने में आपको आसानी हो। आप लिख लीजिए सबसे पहले हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ नोट्स, और नीचे लिखिए आप नेचुरल नोट्स, नेचुरल। तो नेचुरल नोट्स जो है वेस्टर्न म्यूजिक में वो है सी डी ई एफ जी ए और बी, ठीक है। सी वो दोबारा बोलता हूं मैं नेचुरल नोट्स, डी ई एफ जी ए एंड बी, तो ये तो है अपने नेचुरल नोट्स। अब हम दूसरे नोट होते हैं शार्प नोट, तो शार्प नोट्स यानी कि नेचुरल से एक सेमीटोन, एक थोड़ा सा पिच का हाई होगा, तो वो बेसिकली होते हैं शार्प नोट्स, तो थोड़ा सा शार्प साउंड करेगा नेचुरल के कंपैरिजन में। तो शार्प नोट्स का शाइन होता है हैश का, आप जब भी कोई नोट लिखे तो उसके ऊपर हैश लगा लें, तो हैश जो होगा वो उसके हेड पे लगेगा नोट्स के। तो अब शार्प नोट्स हैं वो लिख लें आप एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प, डी शार्प, ए शार्प, ई शार्प और बी शार्प, यानी कि एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प, डी शार्प, ए शार्प, ई शार्प और बी शार्प। देखिए मैं जो बता रहा हूँ ये आप बहुत प्रॉपर वे में लिखना, क्योंकि ये हम जब आगे स्केल्स बनाएंगे या फिर स्केल्स कॉर्ड्स बनाएंगे तो उन सब में ये काम आएगी, ये जो लिस्ट में आपको लिखवा रहा हूँ ये बहुत काम आएगी, तो इससे आप बहुत मिनटों में आप स्केल्स बजा पाएंगे, स्केल्स को बना पाएंगे और आप मिनटों में फिर कॉर्ड्स बना पाएंगे, तो आपको समझने के लिए ये जरूरी है। तो शार्प नोट्स मैंने बताया एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प, डी शार्प, ए शार्प, ई शार्प और बी शार्प, जो ये है। अब इसमें से बहुत से लोग कहेंगे ई शार्प तो होता नहीं है, बी शार्प तो होता नहीं है, वो बात ठीक कह रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में होते हैं, यानी कि वो टेक्निकल उसमें यूज होंगे, अदरवाइज प्रैक्टिकली वो ई शार्प और एफ बी शार्प नहीं होते हैं, लेकिन वो जब स्केल का फॉर्मेशन होगा तो उसमें हमें कई जगह ई शार्प लिखना होगा, बी शार्प लिखना होगा, क्योंकि एक पिच का नाम हम ऑमिट नहीं करते, तो जो नोट्स स्केल चलेगा वो नोट टू नोट चलता है, इसलिए वो आगे मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। तो अभी आप लेकिन लिख लें कि बी शार्प और ई शार्प ऐसा मान के चले कि सिर्फ कागजों में है, उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है उसका, उस पर ई शार्प एफ नोट होगा और बी शार्प यानी कि सी नोट ही होगा, जब हम बजाएंगे तो सी नोट ही बजाएंगे और एफ नोट ही बजाएंगे, लेकिन एट टाइम्स हमको उसको ई शार्प और बी शार्प बोलना पड़ेगा, ठीक है। वो क्यों बोलना पड़ेगा ये मैं आपको आगे समझा दूंगा एग्जाम्पल के थ्रू, अभी आपको बात समझ में नहीं आएगी, अभी तो उसमें अपन समय जाया नहीं करते। उसके बाद आप लिखिए फ्लैट नोट्स, फ्लैट नोट का साइन जो होता है वो बी फ्लैट, मतलब बी के ऊपर छोटा बी, आप स्मॉल बी टाइप बना लें एक नोट, आप गूगल करेंगे तो आपको नोट मिल जाएगा वैसे, लेकिन आप वैसे बी छोटा स्मॉल बी बना लें, वो जो होता है वो फ्लैट का साइन होता है। तो जो शार्प नोट्स है उसका रिवर्स ऑर्डर कर देंगे तो वो फ्लैट नोट हो जाएंगे, यानी कि बी फ्लैट, ई फ्लैट, ए फ्लैट, डी फ्लैट, जी फ्लैट, सी फ्लैट और एफ फ्लैट, यानी कि एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प, डी शार्प, ए शार्प, बी शार्प, ये शार्प नोट्स है, इसका रिवर्स कर दिया हमने
तो वो फ्लैट नोट बन गए, बी फ्लैट, ई फ्लैट, ए फ्लैट, डी फ्लैट, जी फ्लैट, सी फ्लैट और एफ फ्लैट। अब यहाँ भी वही बात है कि सी फ्लैट, एफ फ्लैट सिर्फ कागजों में होते हैं, ये प्रैक्टिकली नहीं होते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम लिखने में उसको छवि के पार्ट में हम इसको लिखेंगे, तो आप भी इसको लिख लीजिए। तो अभी हमने सीखे टाइप्स ऑफ नोट्स, यानी कि हमें इन तीन टाइप के नोट्स से डील करना है। सारा म्यूजिक इन तीन टाइप के नोट्स के साथ ही बना है और बनता है और बनता रहेगा। वो है नेचुरल नोट्स, जो है सी डी ई एफ जी ए बी और सी, और शार्प नोट्स हैं एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प, डी शार्प, ए शार्प, ई शार्प और बी शार्प, एफ सी जी डी ए ई बी। इनमें शार्प लगा देंगे, शार्प का साइन है हैश का, हैश जो होता है वो शार्प का साइन होता है। उसके बाद फ्लैट नोट्स, फ्लैट नोट का साइन स्मॉल बी होगा, और वो है बी फ्लैट, ई फ्लैट, ए फ्लैट, डी फ्लैट, जी फ्लैट, सी फ्लैट और एफ फ्लैट। यानी कि शार्प नोट्स का रिवर्स ऑर्डर जो है, तो शार्प लास्ट नोट था, वहां से हम अगर प्रॉपर फर्स्ट नोट स्टार्ट कर देंगे तो वो फ्लैट नोट बन जाएंगे, बी फ्लैट, ई फ्लैट, ए फ्लैट, डी फ्लैट, जी फ्लैट, सी फ्लैट, एफ फ्लैट। ये आपको ऐसे टंग टिप्स पे होने चाहिए, तब आपको बहुत जल्दी स्केल्स बनाने आएंगे। तो आप प्लीज इसको याद कर लें, इसको एज इट इज याद कर लें। नेचुरल नोट्स सी डी एफ जी ए बी, शार्प नोट्स एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प, डी शार्प, ए शार्प, बी शार्प, बी शार्प, फ्लैट नोट्स बी फ्लैट, ई फ्लैट, ए फ्लैट, डी फ्लैट, जी फ्लैट, सी फ्लैट। तो इस तरह से आपको याद होंगे तो आपको बहुत जल्दी स्केल्स बनाने, जो मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा, तो आप स्केल बनाना सीख जाएंगे। देखिए कोई भी मेलोडी होगी वो स्केल्स में होगी, मतलब किसी स्केल पे बेस्ड होगी। स्केल एक स्ट्रक्चर है बेसिकली, है ना, तो या तो मेजर स्केल या फिर माइनर स्केल। स्केल्स और भी तरह के होते हैं, कई ब्लू स्केल्स हैं, जैज स्केल्स हैं, बहुत सारे स्केल्स होते हैं, लेकिन हम मोटे तौर पे मान के चलते हैं कि सारा म्यूजिक फ्लैट मेजर स्केल और माइनर स्केल पे है। तो अब ये मेजर माइनर स्केल्स क्या है, ये आपको मैं बहुत जल्दी समझाऊंगा। तो मेजर स्केल और माइनर स्केल बेसिकली एक्सप्रेशन है। मेजर स्केल मतलब अगर कोई हैप्पी मूड का सॉन्ग है इन जनरल, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन मोस्टली मोस्ट ऑफ दीज सॉन्ग्स या मेलोडी आपको जो हैप्पी नोट्स पे बेस्ड है या थोड़े से स्ट्रेट नोट्स लगे हैं, थोड़ी सी स्ट्रेट मेलोडी होगी, वो होगी मेजर स्केल में। और जो थोड़ा सा ब्लूइश, थोड़ी सैड और थोड़ी सी डल जो मेलोडी होगी, तो वो मोस्टली माइनर स्केल पे बनी होगी। तो ये हम धीरे धीरे सीख जाएंगे कि हमने कान इतने प्रिपेयर हो जाएंगे हमारी ईयर ट्रेनिंग के थ्रू, जब हम सुनेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि सॉन्ग मेजर स्केल में या माइनर स्केल में। ये एक्सरसाइज भी आप धीरे धीरे शुरू कर दीजिएगा, जैसे आप एक गैस कीजिए स्टार्टिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको चेक कीजिए स्केल मेजर में है या माइनर में। इससे धीरे धीरे आपकी ईयर्स जो है ट्रेन होंगे, और वो ट्रेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर बार आप किताब से कॉपी से नहीं बजाएंगे म्यूजिक। बहुत सारा म्यूजिक कान से बजाया जाता है, बहुत सारा म्यूजिक किताब से बजाया जाता है, तो हमें दोनों में मास्टरी होनी चाहिए, हम नोटेशन देख के भी बजा पाएं और हम किसी मेलोडी को सुन के भी बजा पाएं। जब आप कॉर्ड्स वगैरह भी आप ढूंढेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे सॉन्ग के, तो वो आपकी प्योरली आपके सेंस पे, आपकी ईयर्स की ट्रेनिंग पे डिपेंड करेंगे। तो आपकी ईयर्स को ट्रेन होना बहुत जरूरी है। तो ईयर ट्रेनिंग म्यूजिक का बहुत बड़ा पार्ट है। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट करें, कोई भी किसी भी तरह का म्यूजिक करें, आपके ईयर्स ट्रेन होने बहुत जरूरी है। आप चाहे म्यूजिक प्रोडक्शन करें, आप चाहे साउंड इंजीनियरिंग करें, आप चाहे कंपोजर हो, आप चाहे गिटार प्लेयर हो, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हो, या आप सिंगर हो इवन, तो भी आपको नोट्स को पहचानना बहुत जरूरी है। और वो पहचानने के लिए हमें आपके ईयर्स को ट्रेन होना बहुत जरूरी है। और ये ट्रेंस अपने ईयर ऐसे ट्रेन नहीं होंगे कि हमने कहा ये ट्रेनिंग हो गया हो गई। हमें उसके लिए थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा। कोई भी मेलोडी सुने तो उसको हम ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें ये मेजर स्केल में है या माइनर स्केल में। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आएगी, थोड़ा सा पहचानने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप उससे आराम से एक्वेंटेड हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि हाँ ये तो मेजर स्केल है। तो आप जैसे समय बताएंगे, देखिए समय बताने के साथ आपको आपका सेंस डेवलप होता है। म्यूजिक आपको रातों रात नहीं आएगा, है ना, आपका सेंस डेवलप होगा जैसे जैसे आपका, आप थोड़ा सा आप नजरिया बदलिए म्यूजिक सुनने का। अभी आप बस्ती के लिए गाना सुनते थे, अपना काम करते हुए गाना सुनते हैं, आप सब सुनिए अपने हिसाब से गाना सुनिए, लेकिन आप थोड़ा सा आप म्यूजिकल सीख रहे हैं तो एक म्यूजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी म्यूजिक को सुनना शुरू करें, और आप देखें कि इस सॉन्ग में किस तरह के नोट्स यूज हुए हैं, होता है कौन सा स्केल यूज हुए हैं, कौन से ये हुआ है, ये धीरे धीरे आप समझ आ जाएगा कौन से कॉर्ड्स प्ले हो रहे हैं। तो ये आप जैसे जैसे आप जब ये सब चीज़ें सीखेंगे, स्केल्स, कॉर्ड्स वगैरह, तो आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि हम किस तरह के नोट्स को मतलब प्ले कर रहे हैं। हम मेजर स्केल पे आ रहे हैं, माइनर स्केल पे आ रहे हैं, ये सॉन्ग मेजर पे है, माइनर पे है,
इस पे कॉर्ड कौन से यूज हुए हैं, तो वो हम धीरे धीरे अपने एयर को ट्रेन करके सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो कोई भी अगर मेलोडी की हम बात करें तो कोई भी जो स्केल्स डेवलप हुए हैं वो सबसे पहले आगे मेजर स्केल पे डेवलप हुए हैं, तो हमें मेजर स्केल्स को आना समझना बहुत जरूरी है। तो मेजर स्केल समझ में आ गया तो हमारा समझ लीजिए आधा काम हो गया, कि सारे जो स्केल्स हैं वो मेजर स्केल का डेवलपमेंट ही है। तो आपको मेजर स्केल को प्रॉपर समझना बहुत जरूरी है। मेजर स्केल मतलब सी मेजर स्केल, डी मेजर, ए मेजर, ई मेजर, बी मेजर, इस तरह के सारे स्केल मेजर स्केल को समझना बहुत जरूरी है, जिनका इंटरवल सिस्टम जो है वो बेस्ड होता है। स्केल्स तो इंटरवल सेम होगा लेकिन उनका पिच का लेवल होगा वो अलग होगा। जैसे मैं आपको सी मेजर स्केल बताता हूँ तो सी मेजर स्केल सुनेंगे आप, ये आपका सी मेजर स्केल हो गया। अब मैं डी मेजर पे जाता हूँ, डी हो गया, यानी कि इंटरवल सिस्टम जो है सेम है। डा 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 स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया और एंडिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, बाकी पैटर्न वही रहेगा। तो ये हमारा इस तरह से हम इंटरवल सिस्टम के थ्रू संबंध की कोशिश करेंगे कि कैसे स्केल्स को आगे डेवलप होते हैं। तो हम जो अगली क्लास में हैं अब स्केल पे बात करेंगे। अपना बेसिक जो है वो सारा क्लियर हो चुका है, हम कैसे गिटार पकड़ें, कैसे नोट्स को ट्यून करें, गिटार को ट्यून करें और कैसे गिटार को होल्ड करें, जो गिटार में जो ये मार्कर है उनको कैसे यूज करें और हमें प्रैक्टम को कैसे होल्ड करना है और कैसे इसका प्ले करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समझ हो, आप तो अपने सवाल आप नीचे छोड़ दें कमेंट बॉक्स में, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका कोई डाउट है या आपके कोई सवाल है तो उसको मैं आपको समझा सकूँ। तो आप इस बात का आप आराम से पूछिए और हमें खुश करेंगे, हम आपकी सारी क्वेरीज को क्लियर कर पाएं। तो आज से गिटार को बस प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए और एंजॉय कीजिए, ठीक है। आज से आप एक नई दुनिया में एंटर कर रहे हैं, गिटार की दुनिया है, तो मैं आपका स्वागत करता हूं पहले गिटार की दुनिया में, और इस गिटार की दुनिया में आपको छा जाना है इस उम्मीद के साथ और इस जज्बे के साथ आप गिटार को आगे परस्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ ग्रेट सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम सब कल मिलेंगे सेम टाइम 5 बजे हमारे गिटार के सेकंड सेशन के लिए पवन सर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय। Thank you.